सरकारी स्कूलों में चल रही शिक्षकों की मनमानी, समय से नहीं पहुंचते स्कूल, ज्यादातर टाइम शिक्षक रहते हैं स्कूल से नदारद। खबर है सिवनी से, जहां इन दिनों कुरई मुख्यालय अंतर्गत ग्राम पथरई के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जबरदस्त मनमानी चल रही है। यहां के शासकीय हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के हाल बेहाल हैं। दोनों स्कूलों पर कोई भी शिक्षक साला लगने के समय से पूर्व नहीं पहुंचता। उद्घोषण में न्यूज की टीम जब 10:30 पर शासकीय हाई स्कूल पथरई पहुंची, तब यहाँ गेट में ताला लटकता हुआ मिला। बच्चों से जानकारी प्राप्त करने पर पता हुआ कि यहाँ के शिक्षक रोजाना ही लेट आते हैं, समय पर कभी स्कूल नहीं लगता। 11 बजे के बाद स्कूल टाइम शुरू होता है। यही हाल मिडिल स्कूल का है। पूर्व में भी मीडिया टीम ने यहाँ मुआयना किया, यहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ के ज़्यादातर शिक्षक नदारद रहते हैं, 11:30 पुरुषशाला नहीं पहुँचते। साथ ही संस्था में सफाई कर्मी नियुक्त हैं, परंतु यहाँ सफाई झाड़ू का कार्य बच्चों द्वारा कराया जाता है। यहाँ के शौचालय भी साफ नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पदस्थ शिक्षकों की बब्बर शाही चल रही है। मीडिया कर्मियों द्वारा फोन लगाने पर शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग में होने की बात कही जाती है। अन्य और कोई शिक्षक स्कूल पर होंगे ऐसा कहा जाता है। मोटी तनख्वाह पाने वाले शिक्षकों के स्कूलों पर शिक्षा का स्तर भी बुरी तरह प्रभावित है। उद्घोषण में न्यूज के लिए सिवनी से विशेष संवाददाता अजय करवेती है। क्लास तक स्कूल है यहाँ पे? 10वीं तक। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग 25 बच्चे। 40। स्कूल लगने का समय पता है आपको? कितने बजे? 10:30 बजे। अभी कितना बज रहा है टाइम पता है कुछ? अभी 10:40 हो रहा है, मतलब 11 बजने को 20 मिनट बाकी है। अभी तक आपके कोई शिक्षक नहीं आए? नहीं। रोज ऐसे ही 11 बजे के बाद आते हैं? हाँ। और ताला लगा हुआ रहता है? नहीं। आप लोगों के पास चाबी रहती है? हाँ। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? आकाश कवरेती। आपका? शिवा गज्जाम। 10वीं क्लास तक है ना? हाँ। आप लोग कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10वीं। सारे 10वीं के हो? 9th वाले नहीं आए। कितने लगभग फिर भी 40 बच्चे होंगे? हाँ। ठीक है।